हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन टेल्स इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? ए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बी ऑप्शन इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। सी ऑप्शन इज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड डी ऑप्शन से ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो वी नो दैट की जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है और एक हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे हम जानेंगे वॉट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और इसको कितनी टू क्लासेज में क्लासिफाई किया है। तो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ऑलराइट। सो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच, सो लेट्स राइट, रेट एट विच सनलाइट इज कैप्चर्ड, जो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है दैट इज सन। सो सन से हमारी सनलाइट आती है एंड दिस सनलाइट इज यूज बाय द फोटोसिंथेसिस करने वाले जो टिश्यूज होते हैं। सो किस रेट पे वो हो रहा है, सो दैट इज ऑल अबाउट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो रेट एट विच सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय, रेट एट विच सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर्स और आई शुड से फोटोसिंथेटिक टिश्यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड्स, बिकॉज वी नो दैट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। सो देयर विल बी एनर्जी रिच कंपाउंड्स फॉर्मेशन, ऑलराइट। नाउ हमारा जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, हम इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स स्टडी दैट। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज आर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज योर जीपीपी। अभी जीपीपी क्या होता है? जीपीपी वी कैन से दैट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और वी कैन से ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर। तो हमारे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, ओके। सो प्रोड्यूसर्स पर यूनिट टाइम एंड एरिया। सो पर यूनिट टाइम एंड एरिया में व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय द प्लांट, उसको हम जीपीपी बोलते हैं, दिस ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, जितना भी इसमें प्रोड्यूस हुआ है, सम अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूज इन रेस्पिरेशन, बिकॉज वी नो दैट कि हमारे कुछ प्लांट के सेल्स जो होती है, और आई शुड से जितने भी हमारी सेल्स होती है, दे डू रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में भी दे नीड एनर्जी, सो वहां पे हमारा कुछ अमाउंट ऑफ जीपीपी यूटिलाइज हो जाता है। सो सम अमाउंट ऑफ जीपीपी यूज्ड इन रेस्पिरेशन। तो फिर हमारा जो जीपीपी है उसमें से कुछ पार्ट हमारा लॉस हो चुका है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, ऑलराइट। सो अब हमारा अगर आई शुड से कि एक जो हमारा प्लांट है उसने कितना मैटर बिल्डअप किया है, फिर स्टोर किया, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे? सो हम जीपीपी में से माइनस कर देंगे आर को, दैट इज आर रेस्पिरेशन लॉस। तो हमारा जो नेट बचता है दैट इज एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो ये इक्वेशन हमारे पास बन के आती है। सो इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमारा बायोमास प्रोड्यूस हुआ है बाय द प्रोड्यूसर्स, उसमें से कुछ हमने यूज कर लिया है फॉर द रेस्पिरेशन, और फिर जो हमारा ओवरऑल बचा दैट इज आर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है दैट इज अवेलेबल फॉर द कंजप्शन बाय हेक्टोट्रॉप्स। सो आई कैन से दैट कि मेरा जो जीपीपी होगा वो हमेशा एनपीपी से बड़ा ही होगा, ऑलराइट। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज आउट करना था। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा दैट विल बी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। थैंक यू।